नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट वी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहती हूँ, जिनका नाम था दाफेदार। इनकी समस्या मुख्यतः फिशर की थी। जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे, उस दौरान इनके रेक्टम एरिया में कट लग जाता था, जिसकी वजह से इनको जलन वाला दर्द घंटों तक बना रहता था। इसके साथ साथ फ्रेश होने के दौरान चुभन खुजली का भी एहसास रहता था, पेट साफ नहीं हो पाता था। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। जब भी फ्रेश होने जाते तो उस दौरान इनको ब्लीडिंग ड्रॉप ड्रॉप कभी कभी फोर्स में होती थी। इस समस्या से लगभग 1 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और दवाइयाँ ली। आज 1 महीने के इलाज के दौरान ये 100% तक सही हो गए हैं। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो हेलो जी, दाफेदार से बात बात कर रहे हैं? हाँ दाफेदार जी, नमस्कार सर, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वी क्लिनिक कानपुर से मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, कैसे अभी आप सर? ठीक है सर। अच्छा, ये फीडबैक कॉल थी, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, उसको मतलब कितने परसेंट आराम हो गया है अभी? अभी तो कुछ, उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, मतलब आप ठीक हो गए पूरी तरीके से? हाँ। अच्छा, और कोई दिक्कत हुई हमारी मेडिसिन लेने से, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम थी आपको मेडिसिन लेने से पहले? मेडिसिन लेने से पहले क्या है कि 15 दिन में 20 दिन में अपने आप बंद हो जाता था, अपने आप जो है ब्लीडिंग हो। अच्छा, ब्लीडिंग होती थी और जलन चुभन की प्रॉब्लम थी क्या? हाँ हाँ, जलन। अच्छा, ठीक है, मतलब उसमें पूरी तरीके से ठीक हो गया, ब्लीडिंग अब बंद हो गई है, जलन चुभन बंद हो गई। चलिए ठीक है, अभी एक खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, खाने पीने का सर ध्यान, अभी भी ध्यान दीजिएगा, पानी टाइम से पीजिएगा, ठीक है? हाँ, और कोई दिक्कत हुई हमारे यहाँ से साइड इफेक्ट? नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। यदि आपको भी पाइल्स फिशर फिशुला जैसी किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि रेक्टम एरिया से ब्लड का आना, रेक्टम एरिया में दर्द, जलन चुभन का घंटों बने रहना, पेट साफ ना हो पाना, पेट में जलन होना, गले में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार आना, या फिर रेक्टम एरिया से पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं।